हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे विजन ISPT 365 सोसाइटी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो बात करेंगे आज। जो सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा एजुकेशन, और एजुकेशन में भी जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जो NEP 2020 था, स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट या फिर न्यूज़ में किस कारण था। अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ऑन द सेकेंडरी एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, इसको 2 साल हो चुके हैं, तो इसी की एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है सेवरल इनिशिएटिव लॉन्च किए, ठीक है। अब बात करेंगे इनिशिएटिव कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IKS और MIC प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, याद रखना, जो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, ठीक है। तो जो MIC है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, इसका दूसरा जो है, ये कह सकते हो आप, दोनों का एमलगमेशन जो है, ये दोनों का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम है उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके। अब पर्पज़ क्या है, एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उसका प्रमोट किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसका डेवलपमेंट या फिर जो है प्रमोशन किया जा सके, आसान भाषा में ये समझ लो, ठीक है। अगला हमारा जो है, नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स पॉलिसी लॉन्च किया गया है, ताकि हमारे यहाँ पे जो कल्चरल आइडिएशन है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योर्स है, इसको भी प्रमोट किया जा सके या फिर फॉस्टर किया जा सके। साथ ही साथ स्किल इंडिया पार्टनरशिप विद इग्नू, ठीक है, 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम एंड स्किल हब अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 750 वर्चुअल लैब्स भी बनाए जाएंगे इन साइंस, मैथमेटिक्स, और साथ ही साथ जो है 75 स्किलिंग ई लैब भी क्रिएट की जाएंगी। साथ ही साथ 100+ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि फ्यूचर में लोगों की स्किल डेवलपमेंट या फिर स्किल क्वालिफिकेशन पे काम करेगा। साथ ही साथ नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, जिसको निष्ठा कहते हैं, ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उस पर भी फोकस किया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस 75 भारतीय ग्राम स्कूल, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कितना रेशो है, ठीक है, या फिर कितने नंबर हैं, तो याद रखना 75 भारतीय ग्राम स्कूल भी लॉन्च किए गए हैं हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे, जो कौन 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 सी चीज़ें लॉन्च की गई। अगला हमारा जो लास्ट है, नेशनल पब्लिक कंसल्टेशन सर्वे फॉर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब एक बच्चा होता है, मान लीजिए ये ABC नाम का कोई बच्चा है, जब ये पढ़ता है, तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है इसके लिए ज़रूरी होती है, ताकि एक बच्चे का होलिस्टिक तरीके से जो है एडवांसमेंट या फिर डेवलपमेंट हो सके। जैसे एग्जांपल हो, मान लीजिए एक बच्चे को स्पोर्ट्स भी खिलाया जाएगा, ड्राइंग भी, कलाकारी भी सिखाई जाएगी, या फिर दूसरी जैसे योगा वगैरह, या फिर दूसरी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कराई जाएंगी, ताकि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के की प्रिंसिपल के। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग फॉस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ई स्टूडेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, आपको पता होगा, अगर आप अवेयर हैं, तो अभी जो हमारे बच्चे हैं CBSE में जो पढ़ते हैं, स्पेशली दिल्ली में, तो उनके लिए ना अलग से ही जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया कि मतलब हर बच्चे जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है एग्ज़ाम क्रिएट किया गया, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगर आपके यहाँ घर में कोई छोटा बच्चा है, तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेवल वाइज जो है हमारे यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया है एग्ज़ाम्स का, ठीक है। तो यही होता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज भी करती है कि जैसे बच्चे की कैपेबिलिटीज़ होती है, उसी के हिसाब से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी हिसाब से बच्चे को सिखाया जाता है। दूसरा है हमारे यहाँ पे जो फाउंडेशन लिटरेसी है, ठीक है, ग्रेड 3 के तक के बच्चों को उन फाउंडेशन लिटरेसी पे फोकस किया जाता है, और साथ ही साथ न्यूमरेसी होता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। और अगला हमारा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन जो दी जाती है एक बच्चे को, फिर साथ ही साथ फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन भी किया जाता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे एग्जाम्पल आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे यूज़ करें हमारे एजुकेशन में। अगला है मल्टी लिंग्वल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोकल लैंग्वेज में भी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लैंग्वेज जो है इसका डाइवर्सिफिकेशन हो सके हमारे एजुकेशन में। फिर साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी भी हमारे बच्चों में प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, चीज़ों को रटना प्लस चीज़ों को एक समझना, बहुत दोनों अलग चीज़ होता है। जैसे मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट है, लेट्स से क्वांटम फिजिक्स है, या फिर कोई भी, मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट है, लेट्स से ABC कोई भी जो है कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, अगर मान लो उसको मैं बोलूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आप रट लो, ठीक है, तो हो सकता है आपको 2 दिन याद रहो, 2 महीने याद रहे, तो हो सकता है 2 महीने के बाद आप जो है भूल जाओ। बट अगर मान लीजिए आपने कोई कॉन्सेप्ट जैसे अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समझ लिया तो वो जो है आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, क्योंकि वही चीज़ें आप डे टू डे में देखोगे और वही चीज़ आगे अप्लाई भी होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग करते हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा याद रहती हैं। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का स्पेसिफिकेशन। अगर बात करें 10वीं 12वीं, तो ये इस 4 में डिवाइड है, 5, 3, 3 और 4। ठीक है, तो याद रखना पहले हमारा ये स्ट्रक्चर था 10+2, बट अब जो हमने ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बात करें विच पॉलिसी कवर्ड स्कूलिंग फ्रॉम 1 to 10th, ठीक है, तो याद रखना 6 से लेकर 16 साल तक, ठीक है, और 10वीं 11वीं जो है 18 साल में होती थी, बट अब जो हमने ये डिवीजन कर लिया है 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद दोबारा से 3, फिर उसके बाद 4। ठीक है, तो ये डिवीजन हमने कर दिया है स्पेशली हमारे एजुकेशन लेवल पे, या फिर एजुकेशन लेवल करो सॉरी स्कूल लेवल पे। ठीक है, अगर बात करें मल्टी स्ट्रीम की, तो हम कोई भी बच्चा जो है अक्रॉस स्ट्रीम, क्योंकि बहुत सारी मल्टी स्ट्रीम होंगी उसके बाद, तो हर जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो है, ठीक है, या फिर जो भी उसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से जो है स्ट्रीम चुन सकता है। ठीक है, डाइल्यूट बोर्ड भी होंगे, बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर, ठीक है, एंड विल बी ऑफर्ड द ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगर मल्टीलिंगुअल की बात करें तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में रखी गई हैं, और साथ ही साथ जो है जो मीडियम होगा टीचिंग का ये लोकल लैंग्वेज में होगा 8वीं क्लास तक। ठीक है, अगर बात करें बैगलेस डेज की, तो स्कूल स्टूडेंट हैव टू हैव बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू द वोकेशन चॉइस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब वोकेशनल चॉइस होगी या फिर वोकेशनल चीज़ें कराई जाएंगी तो उनको जो है बैग लाना वगैरह मैंडेटरी नहीं होगा, तो इसको जो हम कहते हैं बैगलेस डेज। ठीक है, अगर कॉलेजेस की बात करें तो सेट लाइक कॉलेजेस टेस्ट, ठीक है, तो सेट जैसा जैसे कॉलेज टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है, जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम भी बोलते हैं, ये ट्वाइस अ ईयर होगा। 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होगी, ठीक है, 4 ईयर्स मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है चीज़ें जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके और उनका जो है कंप्लीट डिग्री जो है मिल सके, और ताकि जैसे मान लीजिए जब 4 ईयर का जो है बैचलर्स होगा तो बच्चों का जो है उसी हिसाब से जो है प्लानिंग वगैरह होगा और अल्टीमेटली उनका डेवलपमेंट भी हो पाएगा। नो एफिलिएशन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू गिव डिग्री एफिलिएशन एंड यूनिवर्सिटीज़ टू एंड। ठीक है, याद रहेगा। फ्री कैप की बात करें, प्रपोजल टू फ्री कैप चेंज बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये भी याद रखना। फिर अगला हमारा, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि जो ग्लोबल लेवल है, ठीक है, या फिर गोइंग ग्लोबल है, रिलेटेड टू द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ टू फैसिलिटेट टू कम टू इंडिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड लेवल की या फिर ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा, या फिर मैं बोलूँ फैसिलिटेट किया जाएगा, ताकि वो इंडिया में आके यूनिवर्सिटीज़ खोलें। ठीक है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी इन्विटेशन इसमें प्रावधान रखा गया है। अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं एज ऑफ 2020, ठीक है, तो या फिर 2023 में बोलूँ, ठीक है, सबसे पहला अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसको हम बोल कहते हैं बाल अवीटिका, ठीक है, फिर निपुण भारत अभियान, ठीक है, फिर अगला हमारा विद्या प्रवेश एग्जामिनेशन रिफॉर्म इन द इनोवेटिव पेडागोजीज, ठीक है, जैसे एग्जांपल एंटी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, टॉयज बेस्ड पेडागोजीज, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे स्कूल एजुकेशन लेवल पे जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर बात करें मल्टी मॉडल इन एजुकेशन पे, तो स्वयं है, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, वर्चुअल लैब है, तो ये हमारे मल्टी मॉडल लेवल पे जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर बात करें इनोवेशन और स्टार्टअप पे, तो ARIIA जो है, जिसको बोलते हैं हम अटल रैंकिंग इनोवेशन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट, ठीक है, ये हमने 2021 में लॉन्च किया था। फिर अगर बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन पे, तो हमने चलाया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म, तो ये हमारे जो है मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर हायर एजुकेशन लेवल पे जो है चलाए गए हैं। अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ठीक है, तो ये जो हमारा 1986 की जो पॉलिसी है उसको जो है दोबारा से रिप्लेस करके एक नई पॉलिसी लेके आया, जिसमें नई नई चीज़ों को जो, या फिर बोलूँ कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी में चैलेंजेस हैं या फिर नीड्स हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करते हुए लाई गई है। ये जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसकी फाउंडेशन क्या है, SS इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही साथ ये जो हमारा SDG गोल है 2030 तक, उसको भी एड्रेस करता है। अब बात करते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। जो कॉन्टेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो आप। अब बात करते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में, पर्पस क्या है, ठीक है, या फिर क्यों लाया गया है। पर्पस यही है, क्योंकि आपको पता होगा 2020 में पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसी के अंडर में जो है इसको प्रपोज किया गया था।
इट इज़ एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर स्किलिंग री स्किलिंग अप स्किलिंग एक्रेडिटेशन एंड इवेल्यूएशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशली हमारे जो लोग हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको स्किल री स्किल अप स्किल करा जा सके हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। अगर बात करें डेवलप किसने किया है, तो जॉइंट डेवलप बाय हाई लेवल कमेटी, ठीक है, UGC AICTE CBSE NCERT, तो इन लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है, अगर एम की बात करें, सीक्स टू इंटीग्रेट क्रेडिट अर्न थ्रू द स्कूल हाई वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी अमंग देम, एक्ट एज गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय द स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन अडॉप्टिंग द क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो ये सबके द्वारा जो है फॉलो किया जाएगा। अगर बात करें हमारे जो स्टेक होल्डर है वो कैसे बेनिफिट होंगे, ठीक है, तो इसमें कौन कौन बेनिफिट होगा यही याद रख लो, स्टूडेंट, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, तो ये चारों लोग जो है बेनिफिट होंगे। अगर बात करें स्टूडेंट, तो क्रेडिटेशन ऑफ द ऑल लर्निंग आर्ट्स, establishment of multidisciplinary flexible curriculum, learning include foundational and cognitive both। institution की बात करें तो collaboration between institution, focus on research development, digital learning, blended learning, ठीक है, distance learning, तो इन सभी भी focus किया जा सकेगा। industry की बात करें तो allow student to attain NSQF approval foundational and skill development, फिर reskilling, upskilling, फिर साथ ही साथ creating multi and cross sector skill pool employment। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडस्ट्री लेवल पे बेनिफिट होंगे। अगर बात करें गवर्नमेंट लेवल पे कौन कौन से बेनिफिट होंगे, तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैपिटल, स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जितने स्टूडेंट स्किल होगा या फिर स्किल डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड लेवल पे हमारे जो कैपिटल होगा वो भी स्किल होगा। साथ ही साथ हाईली एजुकेटेड एंड स्किल वर्कफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हमारे लोग जो है स्किल होंगे या फिर अपस्किल होंगे, तो उतना ही हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है उसमें हमको जो है एडवांसमेंट मिलेगा। ठीक है, की फीचर की बात करें तो हमारे जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है विट विल इनेबल लर्नर टू अर्न क्रेडिट, साथ ही साथ फ्रेमवर्क विल इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन। NCERF वुड ओनली वन क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। ठीक है, शैल कंपास द क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, और इन सब में ये सारी की सारी चीज़ें जो है एमलगमेशन देखने मिलता है। अब बात करते हैं प्रमोशन इन द हायर एजुकेशन इन द रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना आपको ये है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें रीजनल लैंग्वेजेस कैसे प्रमोट हो रही है। इनिशिएटिव की बात करें, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो याद रखना AICTE हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल टू ट्रांसलेट बुक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा AICTE है उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2022 का, अर्जेस यूनिवर्सिटी टू डेवलप अ स्टडी मटेरियल इन द रीजनल लैंग्वेज। और साथ ही साथ अगर बात करें कमीशन फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जिसको CSTT बोलते हैं, प्रोवाइडिंग पब्लिकेशन ग्रांट टूवर्ड द पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द रीजनल लैंग्वेजेस। और साथ ही साथ AICTE हैज़ अप्रूव द बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन द रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं हमारे एजुकेशन लेवल पे जिससे रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। फिर लास्ट का हमारा अंडर द नेशनल ट्रांसलेशन मिशन टेक्स्ट बुक ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस टू बी इन ऑल द 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनको जो है सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा जो भी हमारे संविधान में मेंशन है। ठीक है, आपको पता होगा 8 शेड्यूल में जो भी हमारी लैंग्वेज मेंशन है उन सब में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा एजुकेशन लेवल को, ये फिर या फिर जो हमारे एजुकेशन मीडियम है उसको लेके कौन कौन सी हिस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारी कॉलोनियल डिबेट को लेके, तो यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे एग्जांपल एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी, जो बोलते हैं कि इंग्लिश ट्रायम्फ एज द मेन लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाय द एंजलिस्ट एंड इवेंजलिस्ट। अब बात करते हैं मकाउले का, मकाउले मिनट 1835, इसको मैं बता देता हूँ, इसको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ तबके के लोग हैं, इनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ा दो, ठीक है, और यही आगे जाके जो है नीचे तबके के लोग हैं इनको पढ़ा देंगे। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ लोगों को पढ़ा दो, ठीक है, इंग्लिश वगैरह में, ताकि ये जो आगे जाके पढ़ाएंगे लोगों को ये लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं, आप 3 लोग को इंग्लिश में पढ़ा दो, ठीक है, और जब ये नीचे जाएंगे तो ये 3 लोग जो है लोकल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो है हमने पढ़ी, और लोकल लैंग्वेज पे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा इम्पार्ट द मॉडर्न एजुकेशन इन द हैंड ऑफ फुल पीपल हु स्पीक हु स्प्रेड नॉलेज टू द मासेस। अब वुड डिस्पैच की बात करें तो ये आया था 1854 में। ठीक है, रिकमेंड द प्राइमरी एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस,
टू द फॉर द मासेस बट द सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इन इंग्लिश। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, इन्होंने बोला तो था कि जो आप प्राइमरी एजुकेशन वो तो वर्णाकुरे लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हो, बट जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में ही प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट कमेटी है जिन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेजेस या फिर लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल राधाकृष्णा कमेटी जो कि 1948-49 में बनी थी, इन्होंने बोला था कि जितनी भी हमारी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारे स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसको हमें इंडियन लैंग्वेजेस से रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो कि 1956 में बना था, इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि हमको जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हिंदी को यूज़ करना चाहिए। फिर लास्ट का जो हमारा एजुकेशन इंटीग्रेशन कमेटी जो कि 1962 में बनी थी, और साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 और 86 की, इन्होंने भी बोला था कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हायर एजुकेशन में वो हिंदी होना चाहिए। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख सकते हैं हम, फिर साथ ही साथ रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, क्योंकि मान लीजिए लोकल लैंग्वेज में होगा तो बच्चों को समझ भी आएगा तो ड्रॉप आउट रेट भी डिक्रीज होगा, मोर इंक्लूसिव हायर एजुकेशन, बेटर लर्निंग आउटकम, लोकल इंटीग्रेशन, फिर बेटर कंटेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे फायदे होंगे अगर लोकल लैंग्वेज में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको कुछ भी ना समझ आए ना या फिर कुछ भी ना याद रहे तो ये डेटा ज़रूर याद रख लेना कि किस में इंक्रीज़ हुआ है, किस में डिक्रीज़ हुआ है, ये डेटा ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, अगर कुछ भी ना याद रहे। अब बात करते हैं रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, रिलीज टू रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन। पहली रिपोर्ट कौन सी है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट 2021, और साथ ही साथ रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इंडेक्स जिसको PGI बोलते हैं फॉर स्टेट 2020-21। ठीक है, तो दो रिपोर्ट आपको पता लग गई। अब बात करते हैं इनकी जो रिपोर्ट है उनके की हाईलाइट के, अगर कंपेयर करें 2020-21 से तो 2021-22 में क्या ट्रेंड रहा। अगर बात करें टोटल एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, या फिर एक क्लास एक से लेके 12 तक, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 0.76% से। ठीक है, याद रहेगा। अगर बात करें नंबर ऑफ़ टीचर की, तो इसमें डिक्लाइन हमको देखने मिला है बाय 1.95%। अगर डेटा आपको ना भी याद रहे तो ये ज़रूर याद रख लेना कि किस में इंक्रीज़ हुआ और किस में डिक्रीज़ हुआ है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की, तो इम्प्रूव हुई हैं। अगर बात करें GER की, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो ये प्राइमरी लेवल पर इंक्रीज़ हुआ है और सेकेंडरी लेवल पर भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगर ड्रॉप आउट रेट्स की बात करें, तो प्राइमरी लेवल पर जो है इंक्रीज़ हुआ है और सेकेंडरी लेवल पर डिक्रीज़ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अगर बात करें पपिल टीचर रेशियो की, तो ये इम्प्रूव हुआ है 2021-22 में। अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल की बात करें, तो डिक्लाइन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है बोल दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ स्कूल जो है ये इंक्रीज़ हुए हैं, बट यहाँ पर डिक्लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कमी हमको देखने के लिए मिला है। डिक्लाइन ड्यू टू मेनली ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्कूल अंडर द प्राइवेट एंड अदर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बात करें अदर हाईलाइट की, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो दिखाता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज़ वन और मोर देन एट ऑल लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, GPI वन और मोर शोकेस द GPI फेवरेबल फॉर द गर्ल्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना। वैसे ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर ऊपर वाले याद रह जाए उससे काम चल जाएगा। अगर बात करें UDISE+ मैंडेट्स, इट हैज़ मैंडेट ऑल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ठीक है, याद रखना। यूनिटी क्या करेगा, वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम एंड प्रोग्राम असेसमेंट को यूनिफाई करेगा। साथ ही साथ कलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म जो है इससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, UDISE 2021-22 एज एडिशनल डेटा ऑन इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जैसे एग्जाम्पल डिजिटल लिटरेसी, पीयर लर्निंग, हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो इन सबको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं PGI जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है 2021-2021 का, उसके हिसाब से स्टेटस क्या है। की फीचर की बात करें, तो प्रोवाइड इनसाइट ऑन स्टेटस ऑन एजुकेशन। ठीक है, पिन पॉइंट ऑफ द गैप्स, इट हेल्प द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी टू प्रायोरिटाइज एरिया ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट हमारी या फिर यूनियन टेरेटरीज हैं उनको जो है प्रायोरिटीज़ देता है कि आपको किस एरिया में जो है आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए ये इंडेक्स जो है ये दिखाता है कि आप कहाँ कहाँ लैक कर रहे हो।
ठीक है, तो जो हमारे स्टेट है उनके लिए एक बहुत लर्निंग आउटकम निकल सकता है कि अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं वो, कि मान लीजिए कोई फील्ड है जिसमें वो स्टेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर वो अपने कंसर्न नहीं दे पा रहे, तो ये रिपोर्ट के जो है उनको कंसर्न दिलाते हैं कि आपको इस एरिया में ज़रूर से काम करना है, ठीक है। अगर बात करें कंपोनेंट की पीजीआई की, तो सबसे पहला कंपोनेंट है आउटकम, इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, फिर अगला हमारा गवर्नेंस प्रोसेस, डिजिटल लर्निंग, स्कूल सेफ्टी एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो ये सारे के सारे हमारे मेजर पीजीआई हैं, याद रहेगा। चलिए अगर बात करें इंडिकेटर की, तो टोटल हमारे जो है 70 इंडिकेटर होते हैं, और पॉइंट की बात करें तो 1000 पॉइंट जो होते हैं जिसकी ये वेटेज है। इंडिकेटर की बात करें तो आउटकम पे ये मेनली बात करता है, जैसे एग्जांपल लर्निंग आउटकम, एसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इक्विटी। अगर गवर्नेंस मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नेंस प्रोसेस को जो है इंक्लूड करता है। अगर बात करें पीजीआई की हाईलाइट की, तो नन ऑफ द स्टेट अटेन द हाईएस्ट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी स्टेट ने जो है हाईएस्ट लेवल की रैंकिंग जो है या फिर पॉइंट जो है इसमें प्राप्त नहीं किए हैं, ठीक है। अगर बात करें सेकंड लेवल पे, तो 7 जो हमारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड लेवल का जो पोजीशन है वो ओन किया है। अगर बात करें हमारे पॉइंट 650 के बिलो कौन से हैं, या जो हमारे लेवल 7th में बोलूँ, तो इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। तो याद रखना 650 से जो है पॉइंट कम पॉइंट किसी भी स्टेट ने प्राप्त नहीं किए हैं, ठीक है। दिस डिस्पैरिटी वॉज 51% इन 17-18, ठीक है। पीजीआई हेल्प टू ब्रिज द परफॉर्मेंस गैप अमंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ओवर द ईयर्स। अब बात कर लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि फाउंडेशन स्टेज मतलब कि हमारा जब बच्चा जो होता है 0 से लेकर 3 साल, और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल एज होती है वो होती है 3 से लेकर 8 साल, तो ये होती है हमारी फाउंडेशन स्टेज हमारे बच्चों की, ठीक है, याद रहेगा। अगर बात करें 3 से लेकर 6 साल तक, तो हमारे जो हमारे आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ये आते हैं। और अगर बात करें 6 से 8 तक, तो हमारे जो बच्चे क्लास 1 या फिर दूसरी क्लास में मूव जाते हैं, तो ये होता हमारा अर्ली प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे बच्चे इस स्टेज में होते हैं, ठीक है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं इस स्टेज में होते हैं फाउंडेशन स्टेज में, तो कैसे हम करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। अगर बात करें करिकुलम फ्रेमवर्क की, तो ये बहुत सारी चीज़ों का एमलगमेशन है, जैसे एग्जांपल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द अडल्ट एजुकेशन। तो इन सब का जो है एमलगमेशन हमको देखने मिलता है। अगर बात करें इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क की, अंडर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अंडर द फाउंडेशन स्टेज इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ 3 से लेकर 8 साल तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमारे यहाँ पे 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए क्या करता है, करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है। अगर बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो करिकुलम फ्रेमवर्क होगा वो इस रेशियो में जो है डिसाइड होगा, जैसे 5-3-3-4, ठीक है। मैंने क्या बताया था पहले, याद करिए कि जो हमारा रेशियो था या फिर जो हमारा मैकेनिज्म था 10+2 का था, बट अब हमने जो है अपना जो फ्रेमवर्क है वो इसमें ब्रेक कर दिया है, और करिकुलम फ्रेमवर्क भी इसी हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव यही है, टू हेल्प पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इट विल बी द बेसिस ऑफ पेडागोजी अडॉप्टेड स्कूल, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, ठीक है। कवरेज की बात करें, तो कवरेज ऑफ कवर अ राफ्ट ऑफ टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम करिकुलर गोल, अप्रोच, लैंग्वेज, एजुकेशन लिटरेसी, होम बेस्ड लर्निंग, तो इन सब को जो है इंक्लूड करता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं, सबसे पहला हमारा फाउंडेशन लर्निंग 2022, ठीक है, जो कि हमारा यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनसीईआरटी ने मिलकर लॉन्च किया है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर अगला हमारा नेशनल इनिशिएटिव प्रोफेंसी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी, जो कि निपुण भारत है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अगर बात करें की फैक्ट के बारे में फाउंडेशन स्टेज को लेके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे को मैंने अभी बताया था कि ये जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है लोकल लैंग्वेज में देने की बात करता है, तो ये हमारे यहाँ पे जो मदर टंग है इसका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर अगला हमारा लेस बर्डन ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर द 3 years 3 to 6 नो बर्डन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों पे कोई भी बर्डन नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें आपको दिखा के, जैसे मान लीजिए खेल खेल में सिखाई जाती है चीज़ें, किताबें नहीं पढ़वाई जाती, ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पे जो है पंचकोश सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है, पंचकोश में 4-5 चीज़ें आती हैं, जैसे एग्जाम्पल आनंद माया कोश, वजन माया कोश, मनोमाया कोश, प्रण माया कोश और अन्न माया कोश, ठीक है, जो बात करता है इनर सेल्फ, इंटेलेक्चुअल लेयर, माइंड लेयर, ठीक है, लाइफ फोर्स एनर्जी लिया,
फिर फिजिकल लेयर्स, ठीक है। तो ये पांच चीज़ों का एमलगमेशन हमको देखने मिलता है, ठीक है। याद करें, अगर बात करें इसके बारे में पंचकोश, तो ये उपनिषद में हमारे मेंशन है, ठीक है, जो स्पेशली फोकस करता है फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, याद रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं फाउंडेशन लर्निंग के बारे में। द फाउंडेशन लर्निंग स्टडी वॉज जॉइंटली कंडक्टेड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और साथ ही साथ NCERT, याद रहेगा। अगर बात करें मोर अबाउट न्यूज़, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ स्टडी अराइव्ड एट द बेंच मार्क ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, अबिलिटी टू रीड मीनिंग एंड द बेसिक मैथ कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड क्लास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फाउंडेशन लर्निंग है, ये बात यही करता है कि जब बच्चा जो है तीसरी क्लास तक पहुंच जाए तो उसको बेसिक जो है रीडिंग आ सके और साथ ही साथ मैथ वगैरह की कैलकुलेशन आ सके, ठीक है, और बेसिक बेसिक। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द हाईएस्ट प्रायोरिटी अचीव इन द नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी बाय द ईयर ऑफ 2025, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके हिसाब से हमको 2025 तक सारे बच्चों में हमारे फाउंडेशन लिटरेसी को प्रमोट करना है। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टडी असेस द लर्निंग लेवल अप्रॉक्सीमेटली 68,000 ग्रेड 3 स्टूडेंट फ्रॉम द 10,000 स्कूल अक्रॉस द इंडिया, ठीक है। तो ये सारे का सारे डेटा है आपके लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, अगर याद रह जाए तो रह जाए, बट अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो 86,000 स्टूडेंट हैं उनका जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ 10,000 स्कूलों में से ये डेटा लिया जाएगा, ठीक है। ओनली स्टडी दैट सीन द कंडक्टेड इन डिफरेंट 20 लैंग्वेजेस, ठीक है, याद रखना जो स्टडी है 20 दूसरी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में कंडक्ट की जाएगी। पैरामीटर की बात करें तो ओरल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओरल फ्लुएंसी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो ये देखी जाएगी। अगर बात करें स्किल की तो आइडेंटिफिकेशन, कंपैरिजन, नंबर, ऑपरेशन, डेटा हैंडलिंग, तो ये न्यूमरेसी के बारे में बात करता है। फिर अगला हमारा डिपेंडेंस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट का चार कैटेगरी में बांटा जाएगा, लैकिंग द मोस्ट बेसिक नॉलेज, हैविंग द लिमिटेड नॉलेज, डेवलपमेंट सफिशेंट नॉलेज या फिर डेवलप्ड सुपीरियर नॉलेज, तो ये चार कैटेगरी में बच्चों को बांटा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सिग्निफिकेंस क्या है फाउंडेशन लर्निंग की, तो सबसे पहला हमारा जो है क्रिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, साथ ही साथ जो लिटरेसी स्किल है हमारे बच्चों में वो भी आ पाएगी, ताकि जब बड़े होंगे वो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी खुल पाएंगी। फिर साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको लिटरेसी में पोटेंशियल मिलेगी और साथ ही साथ एम्पावरमेंट भी होगा, और साथ ही साथ जो एडुकेट लिटरेसी स्किल मेंटेनेंस है वो भी अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ जो हेल्थ है बच्चों की वो भी मेंटेन रहेगी। अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ेंगे अच्छा तो खाएंगे भी अच्छा, खाएंगे अच्छे है तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोर अनलिमिटेडली टूवर्ड दिस स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो स्पिरिट है ये भी जागरूक करेगा हमारे बच्चों में। अगर बात करें नेशनल NAS की और फाउंडेशन लिटरेसी की, NAS स्टैंड फॉर नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, और फाउंडेशनल लिटरेसी स्टडी के बारे में, तो क्लास की बात करें तो 3, 5, 8, 10 इसमें बात करता हूँ, और ये स्पेशली 3 क्लास तक जो बच्चे हमारे हैं उनके बारे में बात करता है। अगर मेथोडोलॉजी की बात करें तो MCQ बेस्ड होता है और इसमें जो है 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। की फाइंडिंग की बात करें तो न्यूमरेसी को लेके 11% डिड नॉट हैव द बेसिक ग्रेड लेवल स्किल, 37% लिमिटेड स्किल, और जो तमिलनाडु है 29 हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कुड नॉट कम्प्लीट द मोस्ट बेसिक ग्रेड लेवल टेक्स, ठीक है। अगर बात करें लिटरेसी के लेवल पे तो 50% हमारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे स्टूडेंट वर फाउंड टू बी लैकिंग द बेसिक नॉलेज। फिर साथ ही साथ अदर इंडियन लैंग्वेजेस 17% स्टूडेंट लैक द बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ये लिटरेसी के बारे में बात हो गई, ठीक है। अगर बात करें निपुण भारत के बारे में, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, अंडर समग्र शिक्षा, ठीक है। विजन यही है ताकि हमारे बच्चों में जो बेसिक न्यूमरेसी है या फिर लिटरेसी है उसको प्रमोट किया जा सके, और हमारा विजन ये है कि 26-27 तक जो हम ग्रेड 3 तक के, और साथ ही साथ याद रखना कि जो हमारे ग्रेड 3 तक के बच्चे हैं उसमें बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग डाल सके, ठीक है। याद रखना ये ग्रेड 5 नहीं है, ग्रेड 3 है, याद रखना। बेनिफिशियरी कौन कौन से होंगे, 3 साल से लेकर 8 साल या फिर 9 साल तक के बच्चे जो इसमें बेनिफिट होंगे। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की बात करें तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो स्कूल लेवल पे होता है ये हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी। अगला हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो देखिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे के जो पर्पस होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। पर्पस इसका यही है टू असेस द हेल्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। अगर बात करें लर्निंग कॉम्पिटेंसीज की तो इसमें क्लास कौन कौन सी आती है, 3rd, 5th, 8th,
टेंथ, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी साइकिल जो है 3 साल तक की पीरियड के लिए चलती है। NSA प्रोवाइड द सिस्टम ऑफ लेवल फीडबैक बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्डाइजेशन सर्वे टू द स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बात करें तो इट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेवेंट ग्राउंड वेरिएबल्स सच एज स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचिंग प्रोसेस कैसा है, स्टूडेंट होमवर्क कैसे दिया जाता है, बैकग्राउंड कैसा है स्टूडेंट का, तो ये सारे का सारे डेटा कलेक्ट किया जाता है। NSA इज़ नॉट स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन, याद रखना स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे नहीं कंडक्ट किया जाता, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, लास्ट कब कंडक्ट किया गया था, तो 2017 में जो है कंडक्ट किया गया था। अगर बात करें 2021 के बारे में तो कवरेज कौन कौन सी रही, इट कवर द गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट एडेड, अनएडेड स्कूल, तो इन सबको जो है कवर किया गया है। अगर बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो सब्जेक्ट आर कवर्ड लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, EVS, ठीक है, फॉर क्लास 3rd, 5th लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस फॉर क्लास 8th लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश फॉर क्लास 10th, याद रहेगा। कंडक्ट किसने किया, तो याद रखना CBSE और साथ ही साथ हमारे NCERT दोनों ने मिलकर जो है इसको कंडक्ट किया। अगर की फाइंडिंग की बात करें, तो ओवरऑल की बात करें तो जो लर्निंग लेवल है स्कूल स्टूडेंट का, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, ये ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। स्टेट वाइज की बात करें तो स्टेट वाइज स्कूल इन पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश परफॉर्म बेटर, स्टेट विच परफॉर्म पोअरली जो है दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन्होंने जो है बेकार परफॉर्म किया या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप ये कह सकते हो। कैटेगरी की बात करें, ये वैसे दोनों की इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, कैटेगरी की बात करें तो हमारे SC ST OBC कैटेगरीज रिमेन लोअर देन द स्टूडेंट फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से ये लोअर ही रहे, ठीक है। अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, जिसको मैं बता भी रहा था आपको कि हमारे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे एजुकेशन में जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन वॉज रिलीज बाई यूनेस्को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो ये ज़रूर याद रख लेना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन रिपोर्ट है ये हमारी यूनेस्को ने लॉन्च की है, ठीक है। अब अगर बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, तो अगर मान लीजिए एजुकेशन लेवल पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, तो इससे जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो चैलेंजेस हैं उनका जो है हम दायरा जो है बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए जो भी चैलेंजेस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो है डील कर सकते हैं। और ये भी याद रखना, ये जो रिपोर्ट है यूनेस्को की, इसका 4th एडिशन है ये, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए एजुकेशन हमारे इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, पर्सनलाइज एंड बेटर लर्निंग आउटकम, मॉनिटरिंग द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन एजुकेशन पॉलिसी, फिर साथ ही साथ है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन द फंक्शनली एंड गिवन फीडबैक टू द स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए फीडबैक वगैरह भी मिलता रहेगा स्टूडेंट को कि कितना लर्निंग हो रहा है उसका। फिर अगला हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनहांस द स्टूडेंट हेल्थ, हेल्प टीचर्स टू बिकम लर्नर मोटिवेटर, आर्टिफिशियल ट्यूटर्स असिस्ट द स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो है टाइम सेविंग भी है टीचर का और प्रोफेसर का, ठीक है। अगर बात करें की हाईलाइट की, तो इंडियाज़ करंट स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया हैज़ द हाइएस्ट रिलेटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन, ठीक है। तो हमारे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल पेनिट्रेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइएस्ट है। अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका 7.8 बिलियन है बाय द ईयर ऑफ 2025, और रेट की बात करें तो 20.2% जो है CAGR है CR। अगर बात करें वेमन की, तो इंडियन लीड्स टू द वर्ल्ड बाय फार टर्म्स ऑफ वेमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेमन अकाउंट 3rd ऑफ द आर्टिफिशियल रिलेटेड द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन इंडिया। अगर बात करें साइंटिफिक पब्लिकेशन या फिर आर्टिफिशियल रिलेटेड चीज़ों से, तो हमारी वेमन जो है 3rd पोजीशन पे आती हैं, ठीक है, याद रहेगा। 2018 इंडिया द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट आर्टिफिशियल टैलेंटेड पूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बात करें 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूल है। अगर बात करें कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे पहला इनिशिएटिव है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ठीक है, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT ने जो है लॉन्च किया था। फिर अगला हमारा US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, जो स्पेशली हमारे इनोवेटिव आइडिया को शेयर करने के लिए बात करता है। फिर नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन,
ठीक है, ये भी हमारे जिसको हम PM स्टैक बोलते हैं इसके अंडर में लॉन्च किया गया है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, जैसे एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसीज़ है जो इन सब चीज़ों को एड्रेस करती है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो हमारा पेरिस और फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली हमारी पीस, सिक्योरिटी और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साइंस, कल्चर, इन सब को प्रमोट करती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें मेंबर की तो 195 मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है, और साथ ही साथ 8 एक्टिव मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर बात करें अवार्ड कौन कौन से दिए जाते हैं तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यूनेस्को फ्लेक्स होफोर्ड बाइगनी पीस प्राइज़, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का दोनों जो प्राइज़ है यूनेस्को से रिलेटेड है। अगर बात करें अदर की इन्फॉर्मेशन की तो सबसे पहला है देर आर 3 यूनेस्को मेंबर्स इज़ नॉट यूनेस्को मेंबर, UN मेंबर, जैसे एग्जांपल कुक, आइसलैंड, न्यू पैलेस्टीन। अगर बात करें कौन कौन से यूनेस्को के मेंबर हैं बट UN के मेंबर, UN के मेंबर नहीं, जैसे एग्जांपल इज़राइल, ठीक है, US, सॉरी मैं ये थोड़ा उल्टा भूल गया कि UN के तो मेंबर हैं बट यूनेस्को के मेंबर नहीं है, और यहाँ पे ये जो ये कंट्रीज़ हैं ये यूनेस्को के मेंबर तो हैं बट UN के मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये जो डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं लर्निंग पॉवर्टी को लेके, ठीक है। लर्निंग पॉवर्टी मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जब बच्चे हैं उनका जो लर्निंग आउटकम है धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहे, इसको कहते हैं लर्निंग पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द साइमल्टेनियस डेटा बाय वर्ल्ड बैंक, बिफोर द पेंडेमिक अबाउट 53% स्टूडेंट वर नॉट एबल टू रीड, ठीक है, एट द एज ऑफ 10, बट द पेंडेमिक हैज शॉट द 70%, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में बोलते हैं कि जो पेंडेमिक आया है इससे बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है ये 70% डिक्लाइन हो गया, मतलब 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेंडेमिक की वजह से जो लर्निंग आउटकम है वो उनका धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग पॉवर्टी, ठीक है। तो जो पॉवर्टी क्या है, गरीबी की जो लर्निंग के लेवल पे जो है वो और बच्चे और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं या फिर उनका जो लर्निंग आउटकम है धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। COVID-19 पेंडेमिक एग्रीवेटेड द ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस एंड इम्पैक्टिंग द एजुकेशन, ठीक है, वेज द जनरेशन विल हार्म द कंपेयर टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट जनरेशन। तो ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ऐसे ही होता रहा हमारा इम्पैक्ट लर्निंग लेवल, तो धीरे धीरे हमारे जो फ्यूचर जो बच्चे हैं उनको भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं लर्निंग पॉवर्टी के रीज़न क्या होते हैं। फोकस ऑन लर्निंग, पुअरली डिज़ाइन स्टडी मटीरियल, टेक्स्ट बुक, सीवियर डिप्रिवेशन अमंग द चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, अनहेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है, पुअर स्कूल मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ टीचर, तो ये सारे के सारे मेजर हमारे जो है रीज़न है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट कौन कौन से लिए गए हैं तो निपुण भारत फाउंडेशन लिटरेसी बात करता है, फिर नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी जो हमारी कंडक्ट की गई ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बात करता है हमारे फाउंडेशन स्किल जो है प्रमोट की जा सके 2025 तक, दीक्षा हमने पोर्टल लॉन्च किया है, ऑल्टरनेटिव अकेडमिक कैलेंडर हमने लॉन्च किया है, विद्यांजलि 2.0 हमने लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि हमारा निष्ठा जो प्रोग्राम है उससे कनेक्ट होगा डायरेक्टली, टीच एट द राइट लेवल ये हमने लॉन्च किया है, फिर अगला हमारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जिसको SEQI बोलते हैं जो कि हमारे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है हमारा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो मदर लैंग्वेजेस सर्वे ऑफ इंडिया जिसको MTSI बोलते हैं, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने कंडक्ट किया है, जो बात करता है हमारी मदर टंग की जो स्टेटस क्या है। अगर बात करें 2011 के हिसाब से तो हमारे यहाँ पे 19,500 से ज़्यादा जो हमारी मदर टंग बोली जाती है, और अगर बात करें हिंदी की तो 43% से भी ज़्यादा है या फिर 43.6% से भी ज़्यादा जो है हमारी पॉपुलेशन हिंदी जो है उनकी मदर टंग है। अगर बात करें 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो UGC ने अभी हाल ही में इसको लेके जो गाइडलाइन जो है रिलीज़ की है, जैसे अलाउ द स्टूडेंट टू परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम जो कि फिज़िकल मोड में हम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल 2 बैचलर्स डिग्री, 2 मास्टर्स की डिग्री, डिप्लोमा प्रोग्राम एंड अनग्रेजुएटेड डिग्री, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ दीज गाइडलाइन ऑप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज मूव टू द परसुएंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अगर बात करें UGC की ई समाधान पोर्टल की तो ये जो है एक ऐसा ग्रीवियंस रेडिसल मैकेनिज्म है जहाँ से आप जो है 24/7 आप रेडिसल सीख कर सकते हो या फिर जो है आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगला हमारा फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट द ट्राइबल डोमिनेटेड इन द मध्य प्रदेश हैज़ बीन रिपोर्टेड द फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंगला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मध्य प्रदेश में है, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और जो कि अभी हाल ही में फंक्शनली लिटरेट जो है डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है फुल्ली, ठीक है। वन ही और शी इज़ एबल टू रीड हर नेम और काउंट एंड रीड, ठीक है, इसको कहा जाता है हम फंक्शनली लिटरेस कोई इंडिविजुअल है। इट ऑल्सो रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इंगेज इन द एक्टिविटीज विच लिटरेट द रिक्वायर फॉर द इफेक्टिव फंक्शन,
ठीक है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया, ठीक है, जो कि हमारा किसके साथ कोलैबोरेट करके AICTE ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इन दोनों ने अप्रूव किया है। अगर बात करें जो हमारा असेसमेंट सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, तो हमारे जो नेशनल असेसमेंट सेंटर की तरह ये प्रकाश काम भी करेगा, ठीक है, हमारे जो लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई किया करेगा और लर्निंग आउटकम को भी जो है फोकस करेगा, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो बच्चे स्किल है, स्किल वगैरह उस या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी प्रमोट करेगा। अगला हमारा PM E-Vidya के बारे में, यूज़ ऑफ ICT PM E-Vidya फंक्शनली COVID-19 पेंडेमिक हैज़ वॉन द यूनेस्को रिकॉग्निशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि COVID-19 के कारण जो हमारी नॉलेज इम्पैक्ट हुई, तो ये ई विद्या जो है ये एक आर्टिफिशियल या फिर मैं बोलूँ एक ऐसा मैकेनिज्म है जो COVID-19 के टाइम पे यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज किया और आर्टिफिशियल तरीके से जो है बच्चों को एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करने का इसका मेन काम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एफर्ट ऑफ रिलेटेड टू द डिजिटल एंड ऑनलाइन एयर एजुकेशन के बारे में बात करता है। इनिशिएटिव पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? हमारे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका भी ये पार्ट है, याद रहेगा। चलिए अगला जो है हमारा ये होगा क्वाकिलरली सिंड्रोम, ठीक है, सॉरी सीमेंट, ठीक है, जिसको हमने QS बोलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये करता है, याद रहेगा। चलिए QS रैंकिंग इज़ अ एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच कंप्राइज ऑफ द ग्लोबल ओवरऑल सब्जेक्ट रैंकिंग। इट मेजर द एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, सिटेशन फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, इन सबको जो है एमलगमेट करता है। की फाइंडिंग की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको ISS बोलते हैं बेंगलुरु इज अमर्ज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट रैंकिंग ऑफ 155 स्पॉट, ठीक है, याद रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको IIT बॉम्बे कहते हैं, इनकी जो पोजीशन है 172 रही। IIT दिल्ली की बात करें तो 174 रही, ठीक है। अगर बात करें कोलैबोरेशन विद द फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो UGC हैज़ अप्रूव द कोलैबोरेशन विद द फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन ऑफर 3 काइंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे ट्विनिंग, जॉइंट डिग्री, डुअल डिग्री, ठीक है। तो ये जो है हम देख सकते हैं, ये इसमें एरा ट्विनिंग प्रोग्राम, जॉइंट प्रोग्राम और डुअल डिग्री, ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम को जो है प्रमोट करेगा। की प्रोविजन के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट विद द नाक कोर टॉप 100 वर्सिटी ऑफ कैटेगरी ऑफ NIRF टॉप 1000 टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन QI रैंकिंग आर एलिजिबल, तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन है एलिजिबल है। साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूट अमंग द 1000 THE और द QS रैंकिंग आर एलिजिबल, कब द रेगुलेटर सुपरवाइजरी रोल इन द फैसिलिटेटिंग एंड सच कोलैबोरेशन, ठीक है। साथ ही साथ फॉर बोथ डुअल एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर द क्रेडिट इंश्योर द स्टूडेंट एंड नॉट द ओवरलैपिंग कोर्सेज, ठीक है। कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट मेक द प्रोविजन टू एग्जिट पाथवे, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि हमारे यहाँ पे जो कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूशन है उनके लिए एग्जिट पाथवे भी रखा जाएगा या फिर एक्सका जो है प्रावधान रखा गया है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, थैंक यू।